भैया लोग, ई है रेडमी 5A, ई डब्बा हमको मिला है MI.com से और हम इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रणाम दोस्तों, मैं हूं अभिनव, आप देख रहे हैं यहाँ एवरीथिंग। दोस्तों, ये हमको डिब्बा मिला है MI.com से और Xiaomi का ये फोन है Redmi 5A। और दोस्तों, मेरा घर है बिहार, तो आज हम बिहारी भाषा में ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको Redmi 5A डब्बा के चारों तरफ लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों, रेड कलर का डब्बा है जो कि काफी ज्यादा चमक रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं Redmi 5A है और बॉक्स काफी अच्छा पैक किया गया है। पीछे की साइड में आपको एक जो फोन है Redmi 5A, इसका सारा कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। सिंपली आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज कर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडिया में बना हुआ है, यहाँ पर ललका कलर में मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, इस बॉक्स को ओपन करना है। एक पोलोथीन दिया गया था ऊपर से और दो को पैक किया गया है, जो बड़का बड़का पैकिंग यहाँ पर इस बॉक्स में किया गया है। ये बड़का चक्वा से इसको हम काट लेते हैं, उसके बाद डिब्बा को ओपन करते हैं। डब्बा ओपन करने में बड़ा मजा आता है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं गोल्डवा कलर में हम इसको मंगवाए हैं Redmi 5A को, और एक किताबो मिला है जिसमें कि Redmi 5A लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक SD कार्ड का जो डेडिकेटेड स्लॉट है वो दिखाया गया है। बाकी आपको जो भी है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, एक चार्ज करने के लिए तार मिलता है। यहाँ पे तार जो है ये टाइप सी नहीं है, नॉर्मल तार है, इससे आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं और डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सुइया मिलता है, इसके मदद से आप इसका जो फोन है इसका सिम ट्रे निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक चार्जर वाला जो एडाप्टर मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं भुड़की है इसमें, इसमें आप लगाकर अपने Redmi 5A को चार्ज कर सकते हैं। ये नॉर्मल चार्जर है, एक यहाँ पर आपको स्लो चार्जिंग ही होगा क्योंकि फोन में 3000 mAh बैटरी है। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं डब्बा में इच्छा सामान मिल जाता है, तो कुछ ज्यादा यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं फोनवा के पीछे में आपको एक और यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसको मैं हटा लेता हूँ, जो पन्नी है ऊपर पे भी दिया गया था। बात करेंगे इस फोन का डिस्प्ले, यहाँ पर देख सकते हैं आगे की साइड में आपको एक कैमरा मिलता है जो जिससे आप बात करेंगे, एक स्पीकर मिलता है, और यहाँ पर कुछ सेंसर बार मिल जाता है। 5 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है, और नीचे की साइड में आप देखेंगे तो आपको 3 बटन मिल जाता है जिसको आप टच करेंगे लेकिन वो जलता नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा बटन दिया गया है, और नीचे में ही आपको जो होम बटन है वहीं पर आपको जो नोटिफिकेशन लाइट देता है। और नीचे में आप देखेंगे तो आपको एक चार्जिंग वाला भुड़की है और एक माइक वाला है। इस साइड आप देखेंगे तो आपको 2 भुड़की मिलता है जिसमें कि आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, तो ये काफी अच्छा बात है। यही ले ली देश का फोन यहाँ पर गरज रहे थे तब से। ऊपर के साइड से आपको 3 भुड़की मिलता है, यहाँ पे एक माइक है और एक रिमोट है वाला जो कि आप अपनी टीवी को कंट्रोल कर पाएंगे इसी भुड़की से, और एक और जो मिलता है उसमें आप अपना हेडफोन लगा पाएंगे जिससे आप गाना सुन पाएंगे। उसके बाद आपको इस साइड मिलता है 3 बटन, यहाँ पर देख सकते हैं एक वॉल्यूम अप, एक डाउन और एक यहाँ पर पावर बटन। और पिछले साइड में आपको एक कैमरा मिल जाता है और एक फ्लैश लाइट मिलता है जो कि 1K फ्लैश लाइट है। और बता देते हैं ये जो फोन में है ना, ये खाली मेटल फिनिश आता है, ये मेटल बॉडी ना है, प्लास्टिक का बॉडी है। और नीचे में आपको MI का लोगो मिल जाता है, और उसके बाद कुछ स्पीकर ग्रिल मिल जाता है जो कि काफी अच्छा यहाँ पर दिखने में लग रहा है। तो कुल मिला के फोन हाथ में काफी छोटा लगता है और आप यूज करेंगे तो काफी मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं फोन को ऑन करके आपको फोन किस तरह से मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं वो बटन जो है इसको दबा कर रखेंगे और जल्दी जल्दी से इसको सेटअप कर लेते हैं, और देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन मिल जाता है। इसमें काफी कम बुलेट बेयर आपको मिलता है, जो भी एप्लीकेशन मिलता है वो MI का ही मिलता है, तो जो भी आप यूज करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिल जाता है। कुल मिलाकर जो नोटिफिकेशन पैनल है आपको MIUI 9 वाला ही मिलता है, इसमें जो MIUI 9 का अपडेट आपको मिल जाता है, और डिस्प्ले जो है काफी अच्छा है। और उसके बाद हम अपना जियो का सिम 2 में लगा के देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि जियो का नेटवर्क जो है काफी अच्छा तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है, तो काफी अच्छा तरीके से नेटवर्क दिख रहा है। तो आपको जियो सिम यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप बिहार से भी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कुल मिला के डिस्प्ले काफी अच्छा यहाँ पर दिखने में लग रहा है, HD डिस्प्ले ही है। अगर सेटिंग में यहाँ पर जाकर देखें इस फोन में आपको क्या क्या मिलता है इस फोन के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल नंबर आप देख सकते हैं Redmi 5A है, और इसमें आपको नोगटवा मिलता है। जी हाँ, ये इसमें आपको जो एंड्रॉयड का वर्जन है ये 7.0 नोगटवा है, और उसके बाद आपको इसमें देख सकते हैं 2 GB का रैम है और MIUI 9 तो है ही है।
तो काफी कुल मिलाकर 5000 के रेंज में ऐसा अच्छा फोन आपको तो नहीं मिलेगा, आप भी जानते हैं। अगर बात करेंगे स्टोरेज का, तो स्टोरेज में आपको देख सकते हैं टोटल 10.51 GB है, तो काफी अच्छा बात है। 16 GB में आपको लगभग 10 GB फ्री मिल जाता है। और इस फोन में आप अपना जो कि बाहरी से भी पैन कार्ड लगा सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है, जो कि OTG होता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना पैन कार्ड लगाया और यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से जो भी मेरे पैन कार्ड में था सॉन्ग वॉन्ग सब यहाँ पे शो कर रहा है, तो काफी अच्छा बात है। आप इसमें OTG कार्ड भी लगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। काहे कि इसमें स्टोरेज काफी कम है, काहे कि 8-9 GB से आप क्या करेंगे, इसमें एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करेंगे तो भरिए जाएगा। अब चलिए इसका आवाज सुना देते हैं, गाना जब बजता है इसका आवाज कैसा दिखने में लगता है। और दोस्त तो आपको यहाँ पर देखेंगे नीचे में होम बटन जो है, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं इसका कैमरा कैसा है। काफी इंपॉर्टेंट है कैमरा भी आजकल के फोन में, लेकिन दाम कम है तो कैमरा अच्छा भी आपको बुरा भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन इसका कैमरा अच्छे है, कम चलाऊ है, दाम के हिसाब से तो कम चलाऊ ही है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा कैमरा में, जो कि पैनोरामा है, टाइमर है, यानी बहुत कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ज्यादा हम पढ़ के नहीं सुना पाएंगे, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, तो कैमरा के बारे में आप कहाँ जानेंगे 5000 में क्या क्या आपको चाहिए। सेटिंग में भी आपको बहुत सारा सेटिंग मिल जाता है, पॉकेट मोड है, क्या क्या है, बहुत सारा सेटिंग आपको मिल जाता है, जानना है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको HDR मोड भी मिल जाएगा और यहाँ पर टॉर्च लाइट जो है फ्लैश लाइट वो भी आप इसमें ऑन कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा इस कैमरा में, जैसे कि फिल्टर में आपको बहुत सारा मिल जाएगा, अपना जो मुंह काला है उसको आप गोरा भी कर सकते हैं, जी हाँ। उसके बाद सेल्फी जो है, सेल्फी थोड़ा तो बहुत अच्छा आ जाता है, 5 MP का है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सेल्फी में भी। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा भी मुंह काला ही है, गोरा कर देता है, तो काफी अच्छा है। अब कुछ यहाँ पर आपको सैंपल दिखा देंगे इस कैमरा का, वीडियो भी दिखा देंगे, लेकिन बता देते हैं कि आपको इसमें टाइम लैप्स मिलेगा, लेकिन स्लो मोशन का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग जो है फुल HD में कर सकते हैं पिछले कैमरा से। अब अगले कैमरा से क्या कर सकते हैं इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगले कैमरा से भी आप HD तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब चलिए इसका कुछ फोटो सैंपल आपको दिखा देते हैं। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, आप इसमें जो है ना दो को कम इकट्ठे कर सकते हैं, यानी स्प्लिट स्क्रीन का काफी अच्छा इसमें वर्क होता है। और MI ने दावा किया है, सोमी ने, कि जो स्प्लिट स्क्रीन है बाकी जो स्टॉक एंड्रॉयड होता है उससे अच्छा इसमें वर्क करता है। लेकिन डेफिनेटली मैंने ट्राई किया है, काफी अच्छे तरीके से स्प्लिट स्क्रीन भी काम करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रैम कितना खाली है वो आप न देख सकते हैं, और जो डिस्प्ले का क्वालिटी है वो काफी अच्छा है। किधरों से आप देखिएगा फिल्म इसमें सिनेमा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से 5000 के रेंज में आपको कहा चाहिए, इतना अच्छा आपको फोन मिल रहा है तो आसानी से आप खरीद सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर मेरा लैंग्वेज आपको बुरा लगेगा, लेकिन हम क्या करें, और ये जो अपना होता है ना मातृभूमि मातृभाषा, ये वाला बात आ जाता है कभी कभी, क्या करें। मतलब आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी करना है आपको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, आप अपने कीमती समय दिया, थैंक यू, बाय बाय।